राहुल गांधी के तीर पर इस जयशंकर की कमान, LAC विवाद के बीच आए श्री कृष्ण और हनुमान। भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग चीन मुद्दे पर गलत जानकारी दे रहे हैं। ड्रैगन ने भारत की जमीन पर 1962 में कब्जा किया था। भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही कहा कि कुछ लोग चीन मुद्दे पर गलत जानकारी दे रहे हैं। ड्रैगन ने भारत की जमीन पर 1962 में कब्जा किया था, उसे आज के दौर का दर्शाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की घुसपैठ को लेकर विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। मैं चीन के राजदूत से अपनी खबर नहीं पूछता, अगर मेरी समझ में कमी होगी तो मैं सेना या इंटेलिजेंस से बात करूँगा। एस जयशंकर ने महाभारत और रामायण का जिक्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण और हनुमान का सबसे बड़ा डिप्लोमेट बताया। उन्होंने कहा कि तब भी भारत की कूटनीति चरम पर थी और आज भी देश उसी तर्ज पर चल रहा है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एस जयशंकर की समझ पर सवाल उठाया था। पुणे में एक किताब के विमोचन के दौरान एस जयशंकर ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान का फॉर्मूला समझाने के लिए महाभारत की पूरी कहानी को डिप्लोमेसी से जोड़ा, फिर उसमें रामायण का भी जिक्र किया। पूरा इतिहास निचोड़ने के बाद विदेश मंत्री ने बता दिया कि कूटनीति में हनुमान और श्री कृष्ण की क्या भूमिका थी। आगे उन्होंने कहा कि आप स्वयं देख लीजिए कि भारत की कूटनीति ने इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है, यह पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान कंगाल है, दुनिया के देशों से भीख मांग रहा है। महाभारत का उदाहरण देकर विदेश मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान से निपटने का फॉर्मूला क्या है। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।